सो हेलो गाइस, क्या हाल चाल। एंड आज का वीडियो कुछ ऐसा होने वाला है कि हम लोग स्पॉन डुओ रैंक कुछ कर रहे थे एंड स्पॉन आइलैंड जा रहे थे। तो देख सकते हैं मैं डायरेक्ट स्पॉन आइलैंड जा रहा था पैरासूट से, एंड यहां से ग्लाइड करते करते मैं वहां पहुंच गया था। अगर आप हाफ वे से ही अपना पैरासूट खोल देते हैं तो आप इजली वहाँ पर पहुँच जाएंगे। एंड वहाँ जाने के बाद जो आपको लॉबी में अभी न्यू अपडेट में 1.6 का जो अपडेट आया है उसके वहाँ पे आपको जो एमओ मिलता है, बहुत सारा एमओ स्टार्टिंग में रखा होता है, वो गायब नहीं होता है। आप अपने मैच में अंदर आके आप रैंक पुश कर रहे होते हैं तो एंड स्पॉन आइलैंड जा रहे होते हैं तो आप इजली ले सकते हैं। वहाँ से टोटल एमओ वहाँ का धरा रहता है। जैसा कि देख सकते हो मैं पैराशूट से वहाँ पर जा रहा हूँ एंड स्पॉन आइलैंड में पहुँच चुका हूँ। एंड मेरा टीममेट पीछे व्हीकल लेके आ रहा था क्योंकि यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन अगर बिना व्हीकल के यहाँ आएंगे तो यहीं पे टी बन जाएगा। अब यहाँ गन वन लेके पीछे जा रहा था एंड अब ये देखो एमोज की खजाना। अब जितना एमोज यहाँ पे ले सको आप ले सकते हो। ये आपको प्लेन पे लॉबी वहाँ पे जो खड़े रहते हैं वहाँ पे आपको ये देखने को मिलता होगा एंड ये मैच के अंदर भी रहता है तो यहाँ से आप एमओ आ सकते हो एंड आके अनलिमिटेड एमओज ले सकते हो। अगर रैंक पुशर्स हो तो यहाँ पे आप आ सकते हो एंड अगर रैंक पुशर्स नहीं हो तो टीममेट को इम्प्रेस करने के या फिर देखने के लिए यहाँ पे आप लोग आ सकते हो। ये देखो एमओ मैं उठा भी रहा हूँ। कभी कभी नहीं भी उठेगा तो एक बॉक्स से दूसरे बॉक्सेस पे आप जाओगे तो इजली आपका एमओ भी उड़ जाएगा। चलो एंड यहाँ पे आओ, इन्जॉय करो एंड एमओज लो। एंड आज के लिए इतना गाइस, मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।